हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय फेवरेट चैनल विंग्स एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास सिक्स का मैथ स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बुक है, इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। जल्दी फ्रैक्शन के बारे में आपको समझा बताते हैं कि चैप्टर नंबर लेक्चर में है सेवन, चैप्टर नंबर सेवन, और उसमें है जो लेसन जो है चैप्टर जो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है, चलिए किसी चीज को टू पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि हम बोले आपसे कि आपके पास ऐसे बोल सकते हैं कोई रेक्टेंगुलर सेकंड पार्ट है, सुना था रेक्टेंगुलर ये है जिसमें से 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे हमारे पास काउंट करें कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स होता हमारे पास है। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि अगर टू पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, ऐसे मान लीजिए हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसको जो है हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताना, तो कैसे करेंगे? हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट है, 6। इसके बाद कितने पार्ट सेकंड है? 2 पार्ट है। इससे हमें ये पता चलता है कि टोटल हमारे पास 6 पार्ट, 6 पार्ट में 2 पार्ट हमारे क्या है, वो सेकंड है। अच्छा, हम जो इस टाइप कुछ ऐसे लिखते हैं, इसमें सब ये ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं न्यू रेटर, और इसको जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर। न्यू रेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम इसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बोले कि या फिर ऐसे आप लिखे 3/6 एंड 2/9 एंड 3/5, अगर कुछ ऐसा इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 3/6 या 2/9 या 3/5, इसको बाइंड कर। अब इसमें पूछे कि न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है, तो कैसे काउंट करेंगे? न्यूमरेटर क्या हमारा ये, इसको बोलेंगे न्यूमरेटर, इस हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। इसमें भी ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, इसमें भी न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो कुछ स्टेप्स से हमारे ऐसे फ्रैक्शन हम काउंट करते हैं। अब इसमें कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इंप्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, क्यूबिक फ्रैक्शन से बहुत टाइप के फ्रैक्शन का टाइप होता है, हम जैसा देखेंगे इस बात से। तो अगर पहले की बात करें हम, तो हमारे कुछ पहले से प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन या इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किस टाइप से कैसे होते हैं, जिसका न्यूमरेटर स्मॉल हो एंड डिनोमिनेटर बिग हो। जैसे कि अगर हम लिखना चाहे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ दोज फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन दोज फ्रैक्शन व्हिच इज वेयर डिनोमिनेटर इज बिगर एंड न्यूमरेटर इज स्मॉल। ये सिंपल लैंग्वेज है, इसके कुछ सोचना। अगर हम एक कुछ एग्जाम्पल्स को देखें तो क्या हो सकता है, 8/9, 3/6, 12/15 एंड 9/13। इसमें जो भी आपको ये न्यूमरेटर ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर ये न्यूमरेटर, वो सब क्या हमारे स्मॉल है, सब छोटे हैं एज कम्पेयर टू ये बिगर है हमारा, स्मॉलर एंड बिगर। जितने भी न्यूमरेटर आपके सब बिगर है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, इसमें न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा है, इसके सॉरी इसमें जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है न्यूमरेटर से। तो अब इस तरह के समय प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बोलते हैं। अगर हम बात करें कि इन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम यहां इसको लिखें इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी का जस्ट अपोजिट लिखेंगे दोज फ्रैक्शन, दोज फ्रैक्शन वेयर those fractions
डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉल एंड न्यूमरेटर इज बिग। ऐसे कुछ सब एग्जाम्पल्स लिखते हैं यहां पे, इसी को लिख लेते हैं 9/8, 6/3 एंड 15/12 एंड 13/9। इसमें इसका डिनोमिनेटर जो है बिगर है यानी बड़ा है, सर न्यूमरेटर जो है बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर क्या है स्मॉलर है, स्मॉलर। तो जनरली इस टाइप से हम फ्रैक्शन को पहचान सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे क्या होते हैं। तो अगर हम आगे चले जाएंगे जनरल से बात करते हैं तो आगे हमारा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे इस जो कि अच्छे नहीं थे बट एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, तो आगे हम चलते हैं जैसे सिंपल तो आगे हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें सब मिला हुआ है, बताएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होते हैं। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें जिसमें यानी एग्जांपल से लिखते हैं हम 3/5/6 या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/10/12। ये हमारे जो होते हैं जनरली मिक्स फ्रैक्शन में काउंट होते हैं। अगर हम और आगे देखते हैं और एग्जांपल चाहते हैं 8/4/3/7 एटसेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं मिक्स फ्रैक्शन के। अगर हम बात करें कैसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम पहला क्वेश्चन लिखा 3/5/6 क्या करेंगे हम अगर इसको को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, जैसे कि हम इस जाइस फॉर्मेट में करना है प्रॉपर फ्रैक्शन का बेसिस इस तरीके से, तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए 6 क्या है, यहाँ पे 6 लिखा है, इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब 3/5/6, 3/5/6, 3/10/12 and 8/3/7। तो ये जो हमारे मतलब इस तरीके से पढ़ने का तरीका होता है 3/5/6 इसको बोलते हैं होल में काउंट करते हैं, यानी 3/5/6 कुछ इस टाइप का होता है। जैसे देखिए आप हम क्या करेंगे इसको हमको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे इसका इसका सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 3 कितना होता है 18 यहाँ पे आ गया। अगर हम सिंपल बात करें 18 आ गया और ये क्या होता है इसको हम जस्ट ऐड करते हैं, तो 18+5 कितना होता है 18+5 जो हमारा होता है 23। और डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, नहीं समझ आया 18+5 23 और 6 जैसा हम दो और एग्जांपल लेते हैं 3/10/12 क्या करेंगे हम इसको 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 कितना होता है 36 यानी इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया यहाँ पे 36 आ गया। अब ये जो न्यूमरेटर है इसको हम सिंपली बस प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे यानी इसको से प्लस करेंगे तो 36+10 कितना हो जाएगा हमारे पास 46। अब यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पर अब थर्ड देखेंगे 8/4/3/7 इसे कैसे करेंगे 7 8 56 56 प्लस 3 कितना होगा यहाँ पे 59 59/7। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता है, सिंपल क्या करता है इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ऐड करते हैं सिंपल फ्रैक्शन हमारा कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब भी आता है हम किसी भी चीज किसी भी स्ट्रक्चर को जब भी सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे वो हमेशा किस में रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा। जैसे कि अभी हमने बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, सॉरी न्यूमरेटर जो हमेशा बड़ा रहेगा और जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा छोटा रहेगा। तो देखिए छोटा इसमें डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर का इसमें बड़ा, तो हमेशा जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं। अगर आप किसी को भी करो जैसे इसमें देखिए 46 46 5 इसमें भी न्यूमरेटर क्या है बड़ा है डिनोमिनेटर क्या स्मॉलर है, इस तरीके से इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर क्या है न्यूमरेटर क्या है बड़ा है उसमें डिनोमिनेटर क्या है छोटा है।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को हम भी कन्वर्ट करते हैं। अब आपका ये एक्सरसाइज 7.1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो कुछ बेसिक्स था, इसको हम आप चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। अगर एक चीज और इसमें, अगर हमको किसी को किसी भी फ्रैक्शन को अगर मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना हो, तो जैसा कि हमने भी बताया कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन को हम तभी कन्वर्ट होगा जब हमारा इन प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा। तो जैसा करेंगे हम, एक यहाँ पर मिक्स से लिखते हैं 3/8, 3/8 क्या लिखते हैं हम 8, या फिर अगर हम सबसे पहले ऐसे लिखते हैं 3/8 और यहाँ पे 2/8 यहाँ पे लिखते हैं 4। अब इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है, एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 कितना होता है 12, इसको ऐड करते हैं 12 प्लस 2 कितना होता है 14/4। अब जो है हम इसको, अब हमारे पास क्या है, अगर हम इसको 14/4 करते हैं, ठीक है, तो जब 14/4 करते हैं, अब इसको हमको ऐसा करना है, तो क्या करेंगे, इसका सिंपलिक एसेस तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो 4 होगा यहाँ पे जाएगा 14, 4 हो गया 14 हो गया। अब 4 का 4 किसे डिवाइड करेंगे, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं बचेगा 2, तो जो 2 होता है हमारा हमेशा हमारा, इसको किसमें लिखते हैं, हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, ये हमारा न्यूमरेटर का पार्ट होता है। इसके बाद ये जो होता है हमारा होल का पार्ट होता है, और ये जो डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, डिनोमिनेटर जो हमारा एज इट इज रहता है। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए न्यूमरेटर को ऊपर लिखे न्यूमरेटर हो जाता है, इसके बाद क्या होगा कि जो इसको होल में लिखेंगे, होल में लिख दिया, डिनोमिनेटर आपका 4 है तो 4। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको यहाँ पे लिखा है 12/5 लिखा है, अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर से क्या है बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, जब भी होगा तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखिए अब इसको 5 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5/12, इसके बाद ये होल में क्या है, इसको लगाया चलो होल में लिख दिया 2, इसके बाद क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होता, अब इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो 5 × 10 = 12/5। तो जो हम इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो तभी कन्वर्ट होगा जब हम इसका इंप्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तभी सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। अब आगे हम अपने एक्सरसाइज करते हैं 7.1 पे। अब आपका जो एक्सरसाइज है 7.1, इसमें से हम एक एक क्वेश्चन जो है आपको सारे क्वेश्चन देंगे जो पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट हम बता देंगे, इसके बाद आपको पूरा होमवर्क में करना है, इसके बाद नेक्स्ट जब आएगा तो इसका हम उसे इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे, फिलहाल आपको जो होमवर्क करके देना। तो हम अगर एक्सरसाइज लेते हैं 7.1, तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे जैसे देखा पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, राइट द रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पार्ट पोर्शन राइट द रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पार्ट पोर्शन। आज ऐसे इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ इस टाइप का है, एक ट्रायंगल हमारे पास, आप लोग को बहुत पहले पढ़ा दिया ट्रायंगल्स, इसमें आप एक ट्रायंगल्स पार्ट ऐसे, इसमें कई सारे ट्रायंगल्स हमारे जो है बने हुए हैं, कुछ इस टाइप का है, और ये जो पार्ट है हमारा वो शेडेड है, और एक पार्ट ये भी हमारा क्या है, ये शेडेड है। अब इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, जैसे कि आपने अपने आपको बताया कि जितने टोटल पार्ट है कितने पार्ट काउंट करेंगे, यहाँ पे आएगा 1, 2, 3 और 4 पार्ट, तो ये कितना बन जाएगा 4 पार्ट, वैसे लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ पे कितने पार्ट हमारे पास शेयर है, 1 और 2 पार्ट हमारे पास क्या है,
इस तरीके से हम इसको पहले क्वेश्चन को कर देंगे। इसके बाद ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको चार क्वेश्चन है जिसमें से आपको तीन क्वेश्चन करना है, आपको इसका स्कैन करके पीडीएफ मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से, सॉरी इसमें 10 क्वेश्चन है जिसमें से कि आपको सारे मार्क्स कैसे करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें इसमें कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फैक्ट्स है। अब इसमें लिखा गया है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फैक्शन। अब जैसे कि हम पहली बात करें कि पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक हमारे पास सर्कल टाइप का है और इसमें जो है 8 पार्ट हमारे बने हुए, जैसे ऐसे है कुछ इस तरह का है ऐसे और ये ऐसे, ये हमारे 8 पार्ट बने हुए और नीचे जो लिखा गया है पहला इसमें लिखा गया है 1/6। जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपोजिट है, अब इसे सेकंड पार्ट, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कलर द पार्ट, अब इसमें क्या है इसमें कलर करके दिया था तो आपका फ्रैक्शन कन्वर्ट करना था, अब इसमें क्या है कि आपको फ्रैक्शन कर दिया इसको कलर करना है, जस्ट इसका अपोजिट पार्ट है, क्या करेंगे आप, इसमें 1 है टोटल पार्ट कितने करेंगे 6, 1/6 सॉरी इसमें 8 पार्ट ना होगा इसमें 6 पार्ट है, सॉरी इसमें 6 पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 6 पार्ट है, जैसे मैं लिख दे रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5 and 6 पार्ट हमारे पास, तो जब 6 पार्ट है इसमें लिखा है कि 1/6 टोटल हमारे पास क्या आते हैं नीचे ही आते हैं, जैसे कि हम इसको बनाना चाहते हैं नीचे ही आते हैं या डिनोमिनेटर में आते हैं, 1 पार्ट क्या आता है हमारे कलर है इसमें, तो जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो 1 है तो 1 कलर है और टोटल हमारे पास कितने हैं 6 है। जैसे कि एग्जांपल में लिख रहे हैं क्वेश्चन का नहीं है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि आपको कलर करना है 3/4, तो अगर आप ऐसा हम एग्जांपल लेके बता रहे हैं 3/4 इसमें 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3, 4 फोर पार्ट हमारे पास, अगर आपको ऐसा कलर करना कैसे करेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है 3 तो 1, 2 and 3 पार्ट हमारे कलर टोटल पार्ट से हमारे जैसे कि मैं पहले बता रहा था आपको, तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड है। अगर हम क्वेश्चन थर्ड में आपको एरर फाइंड आउट करना है, आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप उसमें देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कुछ पार्ट कलर है कुछ पार्ट अनकलर्ड, इसमें आपको कुछ एरर बना के दिया गया है सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसमें लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। अगर हम आपको बात करें जैसे क्वेश्चन नंबर जो फोर है हम आपसे कैसे बोले कि या आपसे क्वेश्चन जैसे अभी इसमें लिंक डालना है, लिंक डाल कहते हैं तो हेलो गाइस वेलकम बैक, तो जैसे कि 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 था जैसे हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे 60, अब पूछे कि 1 आवर्स में आपके कितने 60 मिनट्स होते हैं, तो अगर हम आपसे ये पूछे कि 30 तो अगर हम आपसे पूछे कि 4 आवर्स में आपको अगर ऐसे करना है जैसे कि आप इसमें लिखा गया है कि 8 आवर्स में पहला जो फोर्थ क्वेश्चन 8 आवर्स में 8 आवर्स को जो हमें वन डे में यानी वन डे में कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शन में, तो हमें पता है कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं टोटल 24 होते हैं, इसमें से कि 8 आवर्स क्या है आ निकला है, तो हम टोटल इसको फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे 8/24, नहीं समझ आया
जैसे कि हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि यहाँ देखते हैं हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फोर हमें लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours. अब इसमें हमें करना क्या देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours. 8 hours में कितने डे होंगे तो हम जल्दी क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन करके तो हम टोटल हमारे पास 1 day में कितने आ सकते हैं कहीं पे 12 भी होता है कहीं पे 24 मतलब डे नाइट सॉरी डे में तो उसे 12 आ सकते हैं तो 12 आज हम कंसिडर करेंगे तो अभी पूछा रहा है कि 8 आवर्स में कितने डे होंगे तो हम जिस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो टोटल कितना है हमारे पास 12 होता है और कितने आवर्स में से करना है तो ये 8 आवर्स ये हमारा जगह फ्रैक्शन. अगर जैसे कि हम आपसे बोले कि 60 मिनट्स में जैसे कि अगली वाला क्वेश्चन देखिए इसको कि जैसे सिंपल सा देखिए यहाँ पे 1 मिनट 1 आवर्स में 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं तो हम आपसे बोले कि 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे तो हम क्या करेंगे कि 1 बाई 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/60 मिनट्स कुछ स्टेप्स होंगे. चलिए आपको इसको करना है उससे मतलब नहीं होगा कि आप बता के अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 14 मिनट्स. हां जैसा इसमें दिया है कि हम देख सकते हैं अगर आपको दिया कि 1 आवर में सारी क्वेश्चन लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6 अब इसमें क्या है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स. तो हम जल्दी क्या करेंगे आप इसे पूछा गया कि 40 मिनट्स में कितने तो 1 आवर में कितने होते हैं मिनट्स जो मेरे को समझा 60 मिनट्स होते हैं तो अब हमको जब यह सिलेक्ट से करना चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको जल्दी अगर आप पूछें तो टोटल कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं 40 में कितना जाएगा 40 तो हमारा हो जाएगा टोटल फ्रैक्शन टोटल और जो बच्चा होगा उससे डिवाइड तो इस तरीके से हम कर सकते हैं और जल्दी आपको क्वेश्चन भेजा जाएगा आपको एक नया क्वेश्चन करना है. आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और लाइंस निकालेंगे नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग थोड़ा मेरे साथ कॉपरेट कीजिए. अभी मेरे पास अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ मिल नहीं रहा है ना ही माइक है ना ही अपने पास कुछ ट्राइपॉड है थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे साथ में साथ चलते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.